क्या सुनाए, अगर दिखाए तो क्या दिखाए, अगर दिखाए तो क्या दिखाए, अगर दिखाए तो क्या दिखाए, अगर सुनाए तो क्या सुनाए, अगर दिखाए तो क्या दिखाए, जो तेरे हम हाल मेरा, जो तेरे गम में है हाल मेरा, जो तेरे गम में है हाल मेरा, तुझे तो सब कुछ पता है बार, जो तेरे गम में है हाल मेरा, हाल मेरा, जो तेरे गम में है हाल मेरे, आलम बनवार से, जो तेरे गम में है हाल वसल्लम। मेरे प्यारे आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि अब हम हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी के लिए पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं और मेरे साथी जनाब अल्ताफ रजवी साहब देवा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हजरत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह गोहरबार में हाजिर है। आप इस नूरानी मंजर को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा गुंबद नज़र आ रहा है, कितनी प्यारी बारगाह है, कितना बड़ा सहन है और लोगों का एक जम्मे गफीर है। आप देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें इमेज में देखते हैं, फोटोज़ में, लेकिन वो चीज़ अगर रियल में देखें तो हमें थोड़ी अलग मालूम होती है। यानी आप अगर किसी का चेहरा देखें, आप किसी का घर देखें या कोई खाने पीने की चीज़ देखें, लेकिन जब वो रियल में आपके सामने हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो फ़ोटो में बात की वो रियल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, लेकिन याद रहे कि हम जब कभी किसी वली की बारगाह में हाजिरी देते हैं
ये मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, जब मैं अजमेर शरीफ भी पहुंचा, बरेली शरीफ भी, मकनपुर शरीफ भी, अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां हाजिरी हुई, तो जब तक मैंने इमेज में देखा था तो गुंबद जितना प्यारा नज़र आता था, अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह में पहुंचने के बाद जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो और ज़्यादा प्यारा मंज़र नज़र आया, और ज़्यादा खूबसूरत मंज़र नज़र आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवान हूँ, मैं आपको बताऊँ, हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत व सआदत 1232 हिजरी में हुई, या एक रिवायत के मुताबिक 1234 हिजरी में। आपके वालिद, आपके ख़ानदान निशापुर के रहने वाले थे, लेकिन आप यहाँ पर देवा शरीफ में तशरीफ़ लाए और आपने यहीं पर क़याम फरमाया। आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयद क़ुरबान अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा, आप अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, आपका नाम वारिस अली है और आप हाफिज़ कुरान। मैं आपको बताऊं, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले ही आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, और जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए आपकी उम्र अभी 5 से 7 साल हुई तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ। लेकिन आपका जहन इतना कवी था, इतना मजबूत था कि आप जब 5 साल की करीब उम्र को पहुंचे और आपकी बिस्मिल्लाह खानी हुई, आपने कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू किया, और अभी 2 साल ही गुजरे थे कि 7 साल उम्र में आप हाफिज़े कुरान बन गए। सुभानअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवान हो। आपकी विलादत माह रमज़ान में हुई थी, और आपकी वालदा का कहना है कि आपकी विलादत हुई, आप माह रमज़ान में दिन में कभी दूध नहीं पिया करते थे, बल्कि बात ही आप दूध पिया करते थे, और हुआ यूँ कि इस तरह आपने पूरा महीना गुजार दिया कि जैसे ही शवाल मुकर्रम का महीना शुरू हुआ, फिर आपने उस वक्त के बाद फिर दिन में दूध पीना शुरू किया। आपका हाल ये था कि आप जब बचपने के आलम में थे, आप उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब व महबूब बंदे थे, क्योंकि आप मादर ज़ात वली थे, माँ के शिकम ही से दुनिया में वली बनकर तशरीफ़ लाए थे। हज़रत सैयद हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका रोज़े मुबारक, आपका मज़ार पाक देवा शरीफ में है। यहाँ से लोग आप देखें तो दूर दराज से आते हैं, सिर्फ सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की, नहीं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बल्कि लाखों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पर लोगों का एक हुजूम आता है और लोग आकर आपकी बारगाह से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवान हूँ, आपके बचपने का यह आलम था कि आपकी जैसे जैसे जो जो उम्र बढ़ती गई, 7 से 10 साल उम्र जब आपकी हुई, तो आप बच्चों के साथ भी इस तरह घुल मिल के रहा करते थे कि अक्सर आप अपने घर से कुछ ले जाते और बच्चों में तकसीम किया करते। ये अल्लाह के वलियों की पहचान हुआ करती कि वो बचपने ही से लोगों को खिलाया पिलाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवान हूँ, 15 साल उम्र में आपने पहला सफ़र हज फरमाया। आप हज करने के लिए जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आप जानते कि उस दौर में हवाई जहाज़ तो नहीं बल्कि बहरी जहाज़, आप बहरी जहाज़ यानी समंदरी जहाज़ के ज़रिए जब आप हज करने के लिए रवाना हुए, तो उस वक्त ज़्यादा सफ़र आपके पास में कुछ भी नहीं था, ना माल व असबाब था, ना खाने पीने के लिए कुछ था। लेकिन जब हुजूर वारिस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बहरी जहाज़ में तशरीफ़ फरमा हुए, हुआ यूँ कि एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, आपने तो कुछ ना खाया, और जितने लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने साथ में खाने पीने की अशियाँ रखी थी वो खा रहे थे, लेकिन जहाज़ चलते चलते अचानक दरमियान में रुक गए, और हुआ यूँ जब जहाज़ रुका तो फिर सारे लोग परेशान हैं कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाज़ रुका क्यों है। यहाँ तक कि जहाज़ के कप्तान ने चेक किया लेकिन उससे कुछ मालूम ना हुआ कि ख़राबी क्या है। लेकिन हुआ यूँ जब उस रात जब जहाज़ का कप्तान सोया तो उसने ख्वाब में क्या देखा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सलाम ने फरमाया कि तुमने खुद तो पेट भर कर खाया लेकिन तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, जिसकी वजह से जहाज़ रुक चुका है, ये उसी का नतीजा है। जैसी सुबह हुई तो उस जहाज़ के कप्तान ने सारे लोगों की दावत दी, सारे लोगों को उसने खिलाया पिलाया, लेकिन हुआ यूँ कि जहाज़ फिर भी चलने का नाम नहीं लेता। अब दूसरा दिन आया, फिर जब उस रात में वो कप्तान सोया तो ख्वाब में फिर बशारत हुई कि तुम खुद तो पेट भर के खाते हो लेकिन हमारा एक वली, हमारा एक दोस्त जो भूखा है, जिसने अब तक कुछ नहीं खाया, उसी की वजह से अब तक ये जहाज़ चल नहीं रहा है, इस वजह से। अब हुआ यूँ कि दूसरे दिन भी ख्वाब में बशारत हुई, फिर उस कप्तान ने सुबह हुई, फिर सारे लोगों की उसने दावत रखी, यहाँ तक कि सारे लोगों ने खाया लेकिन वारिस पाक दावत में नहीं आए।
आप एक तरफ ही जिक्र इलाही में मशगूल थे, आप नहीं खाए, लेकिन देखिए ना आपके सदके में सारे लोग खा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वसीले सारे लोग खा रहे थे। हक वारिस पाक के दूसरे दिन भी नहीं, अब तीसरा दिन आया। अब जैसे तीसरे दिन फिर ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, अब तक जो जहाज चल नहीं रहा है उसकी वजह ये है कि अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा जो अभी तक भूखा है उसने कुछ नहीं खाया। अब हुआ यूँ कि तीसरे दिन अब उस जहाज के कप्तान ने सबको बुलाया और एक एक करके रजिस्टर में सबका नाम लिखा कि जो जो खा रहा है उसका नाम वो लिख दे, लेकिन जो नहीं आया। अब हुआ यूँ कि एक बुजुर्ग नहीं आए और वही वारिस पाक वो उन तक पहुंचा, कदमों में गिर गया और कहा कि बाबा आप खाते क्यों नहीं है, आप तनाउल फरमाएं, यकीन आप तनाउल फरमाएंगे, अल्लाह करम की बारिश नाजिल फरमाएगा। और हुआ यूं ही कि जैसे ही वारिस पाक ने अभी पहला लुकमा अपने हलक के नीचे उतारा ही था कि वो जहाज जो रुक चुका था बहरी जहाज वो फौरन चलने लगा। सुभान अल्लाह, हक वारिस पाक दीवान हूँ। हुजूर वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजमेर मुकद्दस पहुँचे तो आप अजमेर शरीफ पहुँचे, उस वक्त आपने पैरों में आपने जूता मुबारक पहना था। हुआ यूँ कि शख्स ने कहा खादिम ने कि आप इसे उतार दें और फिर अंदर जाएं, तो आपने उस वक्त जूता उतार दिया और उस वक्त के बाद से आपने कभी जूता नहीं पहना। फिर आपने वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कुर्बान जाए कि आपकी ज़िंदगी आपकी शब व रोज़ इबादत इलाही ही में गुजरा करती थी। जब सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत देवा शरीफ आए और वारिस पाक की बारगाह में सलामी देने आए, तो जब नमाज का वक्त हुआ तो वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज के लिए जब जमात कायम करना हुआ तो आला हजरत की तो इशारा किया कि इनसे कहो कि वो आगे नमाज पढ़ाए। अब हुआ यूँ कि जैसे ही इशारतन कहा तो सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कहा कि नहीं हजरत आप पढ़ाइए, नमाज आप पढ़ाइए। अब वारिस पाक कहते हैं हजरत आप पढ़ाइए। फिर आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने अर्ज़ की कि नहीं वारिस पाक हजरत आप पढ़ाइए। अब यूँ जब कहते कहते कहा आप पढ़ाइए आप पढ़ाइए, तो वारिस पाक ने फरमाया कि नहीं हजरत आप पढ़ाए, क्योंकि यहाँ सब हजरत है और आप आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत है। मालूम हुआ कि फैजान आला हजरत भी वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका है। सुभान अल्लाह, बेशक पाक ने हुजूर आला हजरत को आला हजरत कहा। सुभान अल्लाह, आला हजरत कहते हैं तो ये सबसे पहले जो लकब है ये निक नेम अगर किसी ने दिया है तो वारिस पाक ने सैयदी आला हजरत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर। इससे ये भी मालूम हुआ कि वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाजों के भी पाबंद थे। सुभान अल्लाह, हम और आप भी इनकी बारगाह में आते हैं। यहाँ आने वाले मैं तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करूँगा, चाहे वो मर्द हजरात हो या ख़वातीन हो, बुजुर्ग हजरात हो या बच्चे हो, नौजवान हो, कुर्ब व जवार के रहने वाले हो या दूर दराज के, सब नमाजों की पाबंदी करें कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह का हर वली नमाज का पाबंद होता है, सुन्नतों का पैकर होता है, शरीयत मुतहरा के सांचे में अपनी ज़िंदगी के शब रोज को गुजारता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनके नक्श कदम पर अमल करें कहे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हूँ, वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद था वो था लोगों को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह, ये पसंद फरमाते थे कि लोगों को खूब खाना खिलाए, जो भूखे हों उनको पेट भरा दे, क्योंकि मेरे आका अली सलाम ने फरमाया कि फराइज़ की अदायगी के बाद जो सबसे प्यारा अमल अल्लाह की बारगाह में है वो ये है कि भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदीवान हो, तो फैजान वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जारी रहेगा और इंशाअल्लाह हम आपकी बारगाह में आएंगे। अल्लाह सबको आने दूसरों को लाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका विसाल मुबारक कुछ इस तरह के 9 मुहर्रम हराम शरीफ को आपकी तबीयत नासाज हुई, उस वक्त आपकी तबीयत नासाज हुई, आपको जुकाम हुआ, यहाँ तक कि उस वक्त 1323 हिजरी में आपका विसाल मुबारक हुआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, विसाल से एक दिन पहले ही आपने अपने एक मुरीद से कह दिया था कि कल सुबह 4 बजे हम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, यानी अल्लाह के वली पहले से बता देते। आज मुझे और आपको नहीं मालूम कि हमारे साथ में कल क्या होगा, अरे कल की बात दूर है, अभी पल में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह के वली को अल्लाह की तरफ से बता दिया जाता है। आप फरमाते कि कल सुबह 4 बजे मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, और हुआ यूं ही कि सुबह 4 बजे फिर आप दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा गए, लेकिन इसके बावजूद आपका चर्चा पूरी दुनिया भर में है। सुभान अल्लाह,
बल्कि रोजाना लोग आते हैं, कोई अगर बीमार है तो आपके वसीले से दुआ करता है, अल्लाह शिफा अता फरमाते हैं। कोई बे औलाद है, अल्लाह औलाद अता फरमाते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की कुंवारे हो, अल्लाह आपके सदके में उसे रिश्ता अता फरमाते हैं। कोई रोजी के मामले में परेशान हो, अगर यहाँ आकर दुआ करे, अल्लाह बेहतरीन रोजगार का जरिया अता फरमाते। मेरे कार्य आपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम सब को हर वली से प्यार है और इंशाल्लाह हम सब का बेड़ा पार है, पार है, कहिए हम सब का बेड़ा पार है, पार है। अल्लाह ताला ने हर दौर में अपने एक वली को भेजा है। सुभानअल्लाह। आप देखें ना, नबुवत का दरवाजा बंद हो गया लेकिन विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हमने मक्कनपुर शरीफ में हाजिरी दी, हुजूर कुतुबुल मदार जिंदा शमदार रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ देवा शरीफ वारिस पाक की बारगाह में आए हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके सदके हम सब को हज और उमरा की सआदत अता फरमाए। आमीन। पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयद कुर्बान अली शाह, हजरत सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके वालिद वालदा ये दोनों वलिये कामिल थे। सुभानअल्लाह। अल्लाह ने आपको खूब इल्म व हिल्म से नवाजा था। सुभानअल्लाह। आपने अपनी जिंदगी में हज भी अता फरमाया है, आपने नमाजों की पाबंदी भी की है, आपने कुरान की तिलावत भी की है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए।